नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। सब अपनी अपनी समझ और जानकारी के अनुसार इस बारे में बता रहे हैं, लिख रहे हैं। ऐसे में इंडिया टुडे ने भारतीय सेना के कई अफसरों और सैनिकों से बात की, लद्दाख में अब तक जो कुछ हुआ उसके बारे में पता किया। जिन फौजियों से बात की गई वे लेह, गलवान और थांगसे में तैनात हैं। इंडिया टुडे के डिफेंस जर्नलिस्ट शिव अरूर के अनुसार कहानी शुरू होती है 6 जून से। इस दिन दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। तय हुआ कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। सेनाओं के पीछे हटने की शुरुआत गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 से हुई। बातचीत के दौरान यह साबित हुआ कि चीन की एक निगरानी पोस्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारतीय सीमा में थी। यह पोस्ट गलवान नदी के मोड़ के शिखर पर थी। ऐसे में चीनी पोस्ट को हटाने पर सहमति बन गई। कुछ दिन बाद चीनी सेना ने इस पोस्ट को हटा भी लिया। जिस दिन पोस्ट हटा लिया उस दिन 16 बिहार इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू की चीनी अफसरों से बात भी हुई थी, लेकिन 14 जून को मामला बदल गया। शिव अरूर ने लिखा है कि 14 जून की रात उसी जगह चीन ने फिर से पोस्ट बना ली। ऐसे में कर्नल संतोष बाबू 15 जून को शाम 5 बजे के करीब एक टीम लेकर चीन के पोस्ट पर गए। पहले उन्होंने सोचा कि शायद गलती से यह पोस्ट फिर बनाई गई है। हालांकि उनकी टीम के नौजवान अफसर और सैनिक चीनी पोस्ट को हटाने को बेताब थे, लेकिन कर्नल बाबू ने उन्हें ऐसा करने से रोका। कर्नल बाबू की पहचान एक शांत और संयमी ऑफिसर के रूप में होती थी। वे पहले इस इलाके में कंपनी कमांडर रह चुके थे। वे नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA में इंस्ट्रक्टर भी रह चुके थे। आमतौर पर मेजर रैंक के कंपनी कमांडर को एक टीम के साथ पहले जांच के लिए भेजा जाता है, लेकिन कर्नल बाबू ने फैसला लिया कि इस मामले को यूनिट के नौजवानों पर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में शाम 7 बजे वो 2 मेजर सहित 35 सैनिकों की टीम के साथ पैदल ही चीन की पोस्ट पर गए। टीम के मन में लड़ाई जैसी कोई भावना नहीं थी, वो केवल पूछताछ के लिए गए थे। वे जब चीन की पोस्ट पर पहुंचे तो पता चला कि वहां मौजूद सैनिक अलग थे। वे जाने पहचाने नहीं थे। वे सैनिक आमतौर पर उस इलाके में तैनात नहीं होते थे। 16 बिहार इन्फेंट्री वहां तैनात रहने वाले चीनी फौजियों को जानती थी। ऐसे में नए चेहरे को देखकर उन्हें अचंभा हुआ। उन्हें पता चला कि नए चीनी सैनिक तिब्बत से भेजे गए हैं। नए चीनी सैनिक काफी उग्र थे। जब कर्नल संतोष बाबू ने पूछा कि दोबारा से पोस्ट क्यों लगाई गई, तो एक चीनी सैनिक ने उन्हें जोर का धक्का दिया, साथ ही चीन की भाषा में गालियां दी। इसे देखकर भारतीय सैनिक भी उग्र हो गए, क्योंकि सेना की यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर का सम्मान माता पिता की तरह ही होता है। जैसे माता पिता से बदतमीजी पर किसी को गुस्सा आता है, वैसे ही कुछ भारतीय सैनिकों के साथ हुआ। वे चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। लड़ाई बिना हथियारों के ही हो रही थी। करीब आधे घंटे के बाद यह झगड़ा खत्म हो गया। दोनों तरफ के सैनिक जख्मी हुए थे, पर भारतीय दल हावी रहा। उन्होंने चीनी पोस्ट को तोड़ दिया और जला दिया, लेकिन अब विवाद गहरा और खतरनाक लाइन पार कर चुका था। इसके बाद कर्नल संतोष बाबू समझ चुके थे कि कुछ बड़ा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने घायल जवानों को भारतीय पोस्ट पर भेज दिया और उनसे कहा कि वे दूसरे जवानों को यहाँ पर भेज दें। इस दौरान उन्होंने अपने सैनिकों को शांत भी कराया, साथ ही भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को LAC के पार ले गए। ऐसे में भारतीय जवानों ने LAC पार कर ली। यह लड़ाई के दूसरे दौर की वजह बनी। शिव अरूर के अनुसार दूसरे झगड़े में ज्यादा नुकसान हुआ। झगड़े वाली जगह से कुछ किलोमीटर दूर शिव गलवान घाटी के पास तैनात एक ऑफिसर ने इंडिया टुडे को बताया, हमारे जवान गुस्से में और आक्रामक थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। इस समय तक अंधेरा हो चुका था। कर्नल संतोष बाबू का शक सही निकला। गलवान नदी के दोनों तरफ और घाटी में ऊपर कई सारे चीनी सैनिक पोजीशन ले चुके थे। उन्होंने आते ही पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। रात 9 बजे के करीब कर्नल संतोष बाबू को एक बड़ा पत्थर लगा, इससे वे गलवान नदी में गिर गए। समझा जाता है कि कर्नल पर निशाना बनाकर हमला नहीं किया गया, लेकिन उत्तेजना में कर्नल निशाना बन चुके थे। दूसरा झगड़ा करीब 45 मिनट तक चला। इस झगड़े में कई सारे शव इकट्ठा हो गए। अहम बात यह थी कि इस दौरान लड़ाई LAC पर कई अलग अलग जगहों पर शुरू हो चुकी थी। 300 लोग अलग अलग जगह पर आपस में लड़ रहे थे। इस दौरान चीनी सैनिकों के कंटीले तारों वाले रोड और नुकीले किलो वाले डंडों से हमला किया। लड़ाई रुकने के बाद नदी से भारतीय और चीन सैनिक के शव निकाले गए। इनमें कर्नल संतोष बाबू का भी शव शामिल था। लड़ाई रुकने के बाद वहां पर शांति हो गई। दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने इलाके में चले गए। दोनों को अपने अपने शव को ले जाने दिया गया। शव निकालने की प्रक्रिया के दौरान ही भारतीय सैनिकों ने एक ड्रोन की आवाज सुनी। यह एक नए खतरे का संकेत था। यह संकेत था कि गलवान घाटी में आधी रात को भारत और चीनी सैनिकों के बीच होने वाले तीसरे आमना सामना का। ड्रोन धीरे धीरे घाटी की ओर आ रहा था। संभवतः वह इंफ्रारेड कैमरा और नाइट विजन का इस्तेमाल कर रहा था।
ताकि चीन अपने नुकसान का आकलन कर सके और फिर से हमला कर सके। तब तक भारतीय सेना की बैकअप टीमें भी आ चुकी थी। इनमें 16 बिहार और 3 पंजाब रेजिमेंट की घातक प्लाटून के सैनिक भी शामिल थे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हर इन्फेंट्री बटालियन में घातक प्लाटून होती हैं। इनका काम हमलों का नेतृत्व करना होता है, लेकिन जिस तरह की तैयारी भारत की थी वैसी ही चीन ने भी कर ली थी। जब तक पीछे से मदद के लिए भारतीय सैनिक आते, तब तक पहले वाले सैनिक चीनी सीमा में काफी आगे जा चुके थे। उन्होंने यह इसलिए किया ताकि बड़ी संख्या में चीनी सैनिक LAC के पास न आ जाएं। रात 11 बजे की थोड़ी देर बाद ही तीसरा झगड़ा शुरू हो गया। यह आधी रात के बाद तक चलता रहा। यह झगड़ा नदी के किनारे संकरी और ढलान वाली जगह पर हुआ। इस वजह से दोनों तरफ के सैनिक गलवान नदी में गिर गए। कई चट्टानों पर गिरने से घायल हो गए। करीब 5 घंटे की हिंसक झड़प के बाद विवाद शांत हुआ। दोनों तरफ की मेडिकल टीम ने अपने अपने सैनिकों की मरहम पट्टी की। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे के सैनिकों को रात में ही लौटा दिया, लेकिन भारतीय सेना के 10 जवान फिर भी चीनी सीमा में ही रह गए। इनमें 2 मेजर, 2 कैप्टन और 6 जवान थे। इंडिया टुडे को जानकारी मिली कि लड़ाई के बाद पहली बार समग्र आकलन में पाया गया कि तीसरी लड़ाई के बाद चीन को उसके 16 सैनिकों के शव सौंपे गए। इनमें चीन के 5 ऑफिसर भी शामिल थे। इस तरह से 16 चीनी सैनिक युद्ध क्षेत्र में ही मरे थे। ऐसा अंदाजा है कि जिस तरह बाद में भारत के 17 जख्मी जवानों की मौत हो गई, उसी तरह चीन के भी कई जख्मी जवान बाद में मारे गए। हालांकि इसके बारे में चीन की ओर से ना कोई पुष्टि हुई है और ना ही होने की संभावना है। इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक तीसरी लड़ाई के बाद प्रिजनर एक्सचेंज यानी बंदी सैनिकों की अदला बदली जैसी कोई स्थिति नहीं थी। रात के अंधेरे युद्ध के बाद बेचैनी, 0 से कम तापमान, इन सब परिस्थितियों में कई सैनिक इधर उधर रह गए। 16 जून को सुबह होते ही भारतीय सैनिक वापस LAC पार कर अपने पोस्ट पर लौट आए। जब ये पाया गया कि अभी भी कई सैनिक वापस नहीं लौटे, तो दोनों पक्षों के मेजर जनरल ने बात की। यहाँ पर दोनों पक्षों के लापता सैनिकों को वापस करने पर सहमति बनी। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा कि युद्ध के बाद कोई बंधक बनाने वाली स्थिति नहीं थी। हम उनके सैनिकों को मेडिकल हेल्प दे रहे थे, वे भी हमारे सैनिकों का इलाज कर रहे थे। 16 बिहार की डिब्रीफ रिपोर्ट में लिखा है कि चीन ने LAC पर नए सैनिकों को नियुक्त किया। इसके पीछे उनकी मंशा गलवान घाटी में आक्रामक रुख अपनाना, भारतीय पुलों को कब्जाना हो सकता था। अभी पेट्रोल पॉइंट 14 पर शांति है। नए अफसरों ने 16 बिहार इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर का काम संभाल लिया है। साथ ही आने वाले दिनों में गलवान घाटी में दोनों देशों में तनाव कम होने की उम्मीद है। श्री वरुण की ये स्टोरी आप तक हिंदी में लेकर आए थे हमारे साथी शक्ति। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।